आज हमने एक साथी से पूछा, चलो बताओ तुम्हारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? वो सोचने लगा, उसने उत्तर दिया, दिमाग शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। हमने पूछा क्यों? क्योंकि वो पूरे शरीर को चलना है, संतुलन बनाए रखना है, नियंत्रण रखता है। तो ये बात उसको पता थी। हाथ पैर कम होंगे या अपाहिज होगा इंसान, लेकिन वो दिमाग से तंदुरुस्त होगा तो जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, जैसे स्टीवन हॉकिंस के साथ हुआ। शरीर से अपाहिज था लेकिन दिमाग और बुद्धि से दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। तो अगर इंसान के ऊपर नियंत्रण करना है, उसको गुलाम बनाना है, तो उसके शरीर के बजाय किसी को उसके दिमाग के साथ खेलना होगा, उसको बुद्धि से गुलाम बनाना पड़ेगा। तो साथियों, बुद्धि को गुलाम बनाने के लिए उसके लिए भ्रम पैदा किया गया, अंधविश्वास और पाखंडवाद का जन्म हुआ, जिसको स्थापित करने के लिए पोथियों का सहारा लिया गया, जिससे भय पैदा हुआ। पढ़ा लिखा इंसान भी विवेकहीन हो गया और उस अंधविश्वास, पाखंडवाद, अज्ञानता से भरे संस्कारों का दिन रात प्रचार होता है, ताकि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी तक वह संस्कार पहुंचे और वह भी विवेकहीन बन जाए और उनका मकसद पूरा होता रहे। पहलवान अगर शरीर और दिमाग दोनों से तंदुरुस्त है, तभी वह लड़ाई जीत सकता है, वरना उसकी हार तय है। उन्होंने आपके दिमाग से साथ खिलवाड़ कर आपकी बुद्धि को खत्म किया और आपके शरीर मात्र से हजारों साल अपनी सेवा करवाए। वो महापुरुष वही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और आपको ज्ञान की शरण में आने के लिए इसलिए कहा, ताकि आपको बुद्धि से भेंट हो सके, ज्ञान से भेंट हो सके, अपनी अज्ञानता से भेंट हो सके, अपनी गुलामी के कारण का पता चल सके। आरिंक दास जी। मित्रों, आज का सत्संग कैसा लगा? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। फिर मिलेंगे ही वीडियो के साथ।